नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है वेम्पायर हब डॉट कॉम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त अनुराग। दोस्तों कैसे हो? सबसे पहले तो आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप कंटिन्यूस हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो दोस्तों आपका प्यार देखते हुए हम फिर से गिव अवे चालू कर रहे हैं। 1 तारीख से फिर से गिव अवे चालू होगा। आपको वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना है। हम एक कोई रैंडम कमेंट पिकर से एक गिव अवे विनर चुन लेंगे हर सप्ताह, तो आप जरूर से कमेंट और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जिस वैकेंसी की, वो आई है एफकैट के डिपार्टमेंट से। ये इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की। ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, मेल व फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और यहाँ पे 242 कमीशन्ड ऑफिसर की पोस्ट हैं। दोस्तों इस वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल्स देंगे आपको, साथ ही आपको बताएंगे कि आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। आप इस वीडियो को पूरा देखिए अंत तक, आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो लाइक एंड शेयर कर दें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और गवर्नमेंट जॉब्स अलर्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए जानते हैं इसके कंप्लीट डिटेल्स। दोस्तों यहाँ पर रिक्रूटिंग बॉडी है इंडियन एयरफोर्स, टोटल वैकेंसी यहाँ पे 242 है और अप्लाई करने का मोड ऑनलाइन रहेगा। आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना है। पोस्ट का नाम है यहाँ पर कमीशन्ड ऑफिसर। अगर हम बात करते हैं पोस्ट डिटेल्स की, तो यहाँ पर फ्लाइंग से 60 पोस्ट है, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल से पीसी से 28 पोस्ट है, वहीं एसएससी से 42 पोस्ट है, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल से पीसी से 16 पोस्ट है, वहीं एसएससी से 24 पोस्ट है, वहीं डब्ल्यू एडुकेशन से पीसी से 6 पोस्ट है एंड एसएससी से 10 पोस्ट है, मेट्रियोलॉजी से पीसी से 10 पोस्ट है, वहीं एसएससी से 14 पोस्ट है। अगर हम बात करते हैं पे स्केल की, तो पे स्केल यहाँ पर ज़बरदस्त मिलता है। यहाँ पर सैलरी मिलती है 56,100 रुपये से लेकर 110,700 रुपये पर मंथ, साथ ही MSP 15,500 रुपीज़ पर मंथ। तो दोस्तों यहाँ पर सैलरी ज़बरदस्त रहने वाली है। अगर हम बात करते हैं आयु सीमा की, तो आप देख सकते हैं फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपकी आयु सीमा होनी चाहिए 20 से 24 साल, वहीं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल नॉन टेक्निकल के लिए आयु सीमा होनी चाहिए 20 से 26 साल। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो लाइक एंड शेयर कर दें। अब हम बात करेंगे इसकी क्वालिफिकेशन की। दोस्तों इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है NCC एयर विंग सीनियर डिवीजन सी सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर ग्रेजुएट विथ मिनिमम 3 ईयर डिग्री कोर्स इन एनी डिसिप्लिन होना चाहिए, या फिर कैंडिडेट हु हैव क्लियर्ड सेक्शन ए एंड बी एग्जामिनेशन ऑफ एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट इंजीनियर्स इंडिया और एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया वाले अप्लाई करेंगे। 60% मार्क्स होना चाहिए। मोर डिटेल्स के लिए आप इस लिंक पर जाकर पढ़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन बेस्ड है, रिटर्न एग्जाम इंटरव्यू पर अप्लीकेशन फीस है सारे कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपये और यहाँ पर जॉब लोकेशन रहने वाला है पूरे भारत में, ऑल इंडिया। अप्लाई करने का डेट है 1 जून से लेकर 30 जून के बीच में और इस वैकेंसी को अप्लाई करने का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट में। वीडियो को जरूर से लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।